नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी दूंगा। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है। उत्तराखंड में स्थित चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि किस तिथि को कौन से धाम के कपाट बंद होंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड की जानकारी वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब शुरू करते हैं। उत्तराखंड में हर वर्ष चार धाम कपाट बंद होने की और खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। इसी क्रम में रविवार को बोर्ड की मीटिंग में चार धाम कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। सबसे पहले जानते हैं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि 15 नवंबर 12 बजे से पहले। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के शुभ अवसर पर 16 नवंबर को 12 बजे से पहले। अब जानते हैं केदारनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे। भैया दूज के शुभ अवसर पर 16 नवंबर प्रातः 8:30 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर साया है 3:35 पर शीतकालीन हेतु बंद किए जाएंगे। दोस्तों, कुछ मुख्य स्थान और भी हैं। द्वितीय केदार मद महेश्वर जी की कपाट 19 नवंबर को प्रातः 7 बजे। तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट 4 नवंबर 11:30 बजे बंद होंगे। दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इन तिथियों से पहले आप जा सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये जरूरी जानकारी मिल सके। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।